अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नादिया इलियास और आप देख रहे हैं टीम ऑफ टेन टाइगर्स। आज की इस वीडियो में हम सनम बलोच की दुख भरी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि सनम बलोच ने अपनी लाइफ में किन किन मुसीबतों और परेशानियों का सामना किया और इसके अलावा इनका डिवोर्स कैसे हुआ जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सनम बलोच 1986 को कराची में पैदा हुई और अभी सिर्फ 3 साल की हुई थी कि इनके वालदैन की आपस में नाइतफाकी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। चूँकि इनके पेरेंट्स आपस में कज़न थे और शादी के बाद आपस में नाइतफाकी होने की वजह से बात डिवोर्स तक पहुंच गई और इस तरह जब इनके वालदैन के दरमियान अलहदगी हुई तो सनम बलोच और इनके बहन भाइयों को इनके वालिद ने अपने पास ही रख लिया और बच्चों को उनकी माँ के पास जाने देने से इनकार कर दिया। इस तरह छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बगैर ही लाइफ गुजारने पर मजबूर हो गए। सनम बलोच उस वक्त सिर्फ 3 साल की थी। इस तरह वक्त गुजरता चला गया और बिलाखिर 2 साल बाद जब सनम बलोच 5 साल की हुई तो इनकी वालदा ने अपने बच्चों को कोर्ट के थ्रू वापस ले ही लिया और इस तरह बच्चे अपने सगे बाप के प्यार से महरूम हो गए। बाप का साया सर पर ना होने के बायस इन्हें कई मुश्किलों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ा और इसके अलावा कई गलीज नज़रों को भी फेस करना पड़ा। सनम बलोच का बचपना आम बच्चों से खासा मुख्तलिफ था। उन्होंने बचपन में ही माँ बाप के झगड़ों और इनकी अलहदगी के बायस सब कुछ खो दिया था। सनम बलोच ने अपने करियर का आगाज़ एक सिंधी चैनल KTN से किया था। सनम बलोच ने कई बार खुले दिल से इस बात को कबूल भी किया है कि आज जो मकाम और मर्तबा मिला है आदम मुस्तफ़ा की वजह से है। जब इन्हें समा TV में होस्टिंग करने का मौका मिला और जब वो वहाँ तशरीफ़ ले गई तो वहाँ उनकी मुलाकात अब्दुल्ला फरहत से हुई और फिर इन दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन कुछ अरसे बाद इन्हें फील हुआ कि उनकी ये दोस्ती ताउम्र कायम रह सकती है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया और फिर कुछ दिनों बाद ही उनकी शादी भी हो गई। लेकिन बदकिस्मती से उनकी शादीशुदा लाइफ सिर्फ 4 साल ही चल पाई और बाद 2018 में उनका डिवोर्स होना करार पाया। शादी के बाद भी खुशियाँ उनका मुकद्दर ज़्यादा दिनों तक ना बन सकी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि बज़ाहिर तो मैं और अब्दुल्ला एक दूसरे से जुदा हैं, लेकिन आज भी मैं कभी भी अब्दुल्ला के लिए कुछ बुरा नहीं चाहूँगी और ना ही अब्दुल्ला कभी मेरे लिए कुछ बुरा सोच सकता है। हम दोनों एक दूसरे से चाहें कितनी ही दूर हों, एक दूसरे के लिए अच्छी सोच और मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में कायम रहेंगी। अब्दुल्ला एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके लिए मेरे दिल में जो मकाम पहले था वो आज भी है और हमेशा रहेगा। सनम बलोच और अब्दुल्ला फरहत जो कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उनका एक दूसरे से अलहदगी औलाद की पैदाइश ना होने के सबब हुआ। ये थी सनम बलोच की ज़िंदगी से जुड़ी दर्द और दुख भरी दास्तान। इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल टीम ऑफ टेन टाइगर्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।